हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा, एज यू नो दैट व्हाट इज डेट टुडे, दैट इज 13 जून 2021 एंड डेट टुडे इज वेडनेसडे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल्स मीन्स बेटा जो आपकी जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है, जो थैले वगैरह बनते हैं, क्लियर बेटा। उसमें जो ये टेक्सटाइल है, दिस टाइप ऑफ टेक्सटाइल रिक्वायर्ड या नीड द जूट एज द रॉ मटेरियल। ओके, इन दैट इन जूट टेक्सटाइल वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑफ जूट। गॉट इट बेटा, क्लियर टू एवरीवन अबाउट द जूट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। राइट डाउन हियर दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट producer of raw jute and goods of jute. Clear to everyone? It means with the help of this point you can say that in the India jute प्रोडक्शन इज इन गुड क्वांटिटी। ओके बच्चा, इट स्टैंड सेकेंड इन द जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन से द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड इज बांग्लादेश। After the on the second place, the second largest producer of jute in the world, that is India. Okay, got it one beta. After partition in 1947, the many industries remained in India, but the production. बट द 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन वेंट टू द बांग्लादेश। क्योंकि बेटा क्या है, बिफोर 1947 इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया प्लस बांग्लादेश, ये था ना बच्चा आपका। तो जब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तो ये क्या हो गया, कुछ पार्ट्स तो किसमें आ गया, इंडिया में क्या हुआ, जूट टेक्सटाइल्स कम रिमेन इन द इंडिया। और जो क्योंकि यहाँ पे उस टाइम तो हमारे इंडिया के ही पार्ट्स है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, तो उस टाइम हमारे इंडिया में तो क्या था, टेक्सटाइल्स से, और बाकी प्रोड्यूसर जो एरिया थे वो कहाँ चले गए, बांग्लादेश में चले गए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी दैट द बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। ओके, और इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस होता है आपका ये क्या है, जूट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, बट इंडिया हैविंग द मैनी जूट टेक्सटाइल्स। ओके बच्चा, द फर्स्ट जूट मिल वो सेटअप नियर कोलकाता। राइट डाउन हियर द फर्स्ट जूट मिल वो सेटअप नियर कोलकाता।
एवरीवन. द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एंड रिशा नियर कोलकाता इन 1859 इन रिशा. एट रिशा, रिशा इज द नेम ऑफ प्लेस. क्या है बेटा? कब हुआ था? द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1859 एट रिशा व्हिच इज नियर बाय द कोलकाता. ओके, एंड हियर यू कैन राइट डाउन अबाउट द फर्स्ट कॉटन मिल. जो फर्स्ट कॉटन मिल है बेटा वो आपकी कब बनी थी? द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1854 इन मुंबई. वेयर बेटा? इन मुंबई. गॉट इट टू एवरीवन? क्लियर बेटा? एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन आर, एज वी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस वीडियो, देर आर मेनी रीजन, देर आर मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू सेट अप द इंडस्ट्रीज हेयर. एज वी नो दैट द जूट मिल वॉज एस्टेब्लिश नियर बाय द कोलकाता. यू हैव टू हेयर, यू हैव टू गिव द रीजन वाई वी सेट द आर जूट टेक्सटाइल नियर बाय द कोलकाता. तो फर्स्ट वन इज दैट प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट, ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, प्रोड्यूसिंग areas reduce the cost of transportation, reduce the cost of transportation. Voted to everyone, Nisha. So, kya hai? First reason, as we discussed in our previous video, that manufacturers are responsible to set up the industries. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे जहां कोलकाता के नियर बाय हमें क्या इजीली मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, मार्केट फैसिलिटी भी अवेलेबल थी. एंड सेकेंड थिंग, ज्यादा डिस्टेंस में रॉ मटेरियल नहीं था. मतलब जो रॉ मटेरियल था वो भी कोलकाता के नियर बाय ही क्या आपको अवेलेबल हो जाता था. तो इसलिए रीजन क्या है कि हमने कोलकाता के नियर बाय क्या किया, अपने जूट मिल को एस्टेब्लिश किया. नेक्स्ट वन, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रेलवेज to the mills. Second reason kya hai beta, that inexpensive water transport and network of railways, roadways, facilities, the movement of the raw material to the mills. Raw material ko kya karne ke liye? लाने के लिए और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड थी, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी थी, वाटर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी थी. हम क्या करते थे, फॉरेन में भी उसको क्या कर सकते थे बेटा, सेंड कर सकते थे, सेल कर सकते थे. गॉट इट टू एवरीवन? और यहाँ पे क्या है, जिससे क्या होता है बेटा, हमारा जो एक्सपोर्ट था जूट का वो बहुत इजीली हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबंडेंट वाटर सप्लाई फॉर फ्रॉम
abundant water supply, water supply from nearby rivers for the producing of raw jute. अब क्या है बेटा, abundant water supply from nearby rivers, as we know that for the producing of the jute we require the water, okay, and with the help of the rivers, because Kolkata is nearby the Hooghly river, okay, and with the help of the river water we can start our business very easy. We can produce our jute textile very easily. Okay, and next one is cheap labor from the West Bengal and adjoining areas like Odisha, Bihar. Now beta, here next point kya hai, cheap labor. As we know that we require the labor for the all types of industries, है ना? तो हमें ये जूट इंडस्ट्रीज के लिए जो लेबर है कहाँ से इजीली मिल जाते थे, आपके बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से. इसीलिए क्या हुआ बेटा, इसलिए ही जो इंडस्ट्रीज थी, जूट इंडस्ट्री थी, हमने कहाँ पे सेट की, अपनी कोलकाता के नियर बाय. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन दिस टॉपिक? क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन बेटा. Our next one is what challenges we face to set the jute industries in India. Okay, note down this. After this, we will start our challenges. We will study the challenges. Challenges beta, that this type of challenges are faced by the businessmen to set their industry in the India. Okay, first one is the challenges faced by the industry include less demand and stiff competition. First one is less demand and competition. Hey beta, first challenge to the jute industries, less demand. हम क्या करते हैं, हम जिस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है उसी चीज को तो प्रोड्यूस करते हैं ना, ताकि हमारा प्रॉफिट हो. लेकिन बट इन द मार्केट जूट टेक्सटाइल डिमांड, जूट प्रोडक्ट डिमांड इज वेरी लेस. ओके, and the stiff competition in the international market from the synthetic fibers and from other jute growing countries like the Bangladesh, Philippines, Thailand, Brazil and Egypt. Stiff competitions means beta, when we are having two types of fiber, like first one is jute and next one is synthetic fiber. We give the preference to the synthetic fiber, that's why the stiff competition is there between the synthetic fiber and the jute. And we give the preference to whom beta? Synthetic fiber. Okay, so
देयर इज ए लेस डिमांड इन द मार्केट ऑफ द इंडियन जूट. सो इसीलिए क्या है, इंडिया में टेक्सटाइल जूट की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है. गॉट इट टू एवरीवन. इंडिया हैज टू डाइवर्सिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट्स टू कैप्चर द मेन मार्केट ऑफ द जूट विच आर यूएसए, यूके, कैनेडा, घाना, सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया. Got it, beta? It means if we connect, if we export our jute in the UK, US and Canada, Australia, then we can take the more profit compared than today. Okay? These are the challenges to increase the jute textile in the India. Because the Indian jute requirement is very less. The Indian jute demand is very less in the international market, because in the international market the many peoples, the big businessmen give the preference to the Bangladesh, Philippines, Thailand jute. Okay, because that type of jute is very good from compared than to the Indian jute. Okay, because as I told you that in the India raw jute is available. Okay, clear to everyone. Next one is the sugar industries. Next one is your beta, sugar industries. For the sugar industries, this things is used as a raw material. Who knows beta? The answer is very simple, sugar cane. India stands second in the world in sugar production. Write down here, like the jute production, India is the second largest producer of sugar. So you have to write down the position of the India, okay, regarding the industries. Got it, beta? And the first in the production of gur and khansari, and the first in the manufacturing of the and making of the gur. Stop jaggery bolte ho beta, making of the gur and khand. Got it beta? जो sugar के sugar मतलब चीनी, जो चीनी को बनाने के लिए आपका इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड पोजिशन में आता है, एंड गुड और खंड सरी को बनाने में आपका इंडिया फर्स्ट पोजिशन पे आता है. ओके बच्चा, sugar mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, etc. 60% sugar mills are in the Uttar Pradesh and the Bihar. 60% sugar mills are situated in the Uttar Pradesh and Bihar. Reason beta, because Uttar Pradesh and Bihar are the largest producer of sugar cane. And sugar cane is used as a raw material to produce the sugar. Okay, that's why in the Uttar Pradesh and the Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, these are the places where we produce our sugar. Okay, we can make our sugar with the help of the manufacturing process. Got it to everyone beta? तो रीजन क्या है? रीजन यही है, सेम थिंग जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सुगर मिल्स ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सिचुएटेड क्यों है मोस्टली, क्योंकि उनको वहां पे क्या मिल जाता है, रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज प्रेजेंट देयर. ओके बेटा, इन रिसेंट ईयर देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू क्रीप इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र. दिस इज बिकॉज द केन
produced here has a highest sucrose content and cooler climate also ensures a longer crushing season. Next one is challenges. You have to write down here the challenges to the sugar industries. That what are the challenges to the sugar industries? There are many challenges in the in front of the sugar industries. First one is major challenges include the seasonal nature of the industries, because old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the needs to maximize the use of by products like bagasses. Okay, तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है? First challenge क्या है? The nature of industry. जो sugar cane industry है बेटा, वो क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हम क्या कर सकते हैं, शुगर मेक कर सकते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी जब हमारा शुगर केन क्या होता है, जब आपके शुगर केन एक स्वीटनेस, उसके अंदर जो स्वीटनेस होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. अगर वो उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वहां पे आपकी मील में एज अ रॉ मटेरियल पड़ा रहता है तो उसकी स्वीटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है बच्चा, यहाँ पे डिले इन द रो मटेरियल. यहाँ पे बेटा जैसे क्या होता है, ये एक एनुअली आपकी क्या है, एनुअली क्रॉप है. जब हम इसको क्या करते हैं, मिल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंड करते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से जब क्या आता है बेटा, क्योंकि इसको एज ए रॉ मेटेरियल सुगर के इनको साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए भी तो हमें लेबर की नीड होती है ना. अगर उसमें क्या होता है, अगर जब नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अगर उस टाइम पे, किस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, जब एक शुगर केन एक अच्छी स्वीटनेस के साथ हमारे फील्ड में होता है तो उसका बेनिफिट होता है. अदरवाइज क्या हो जाता है बेटा, उसका जब टाइम पीरियड चला जाता है, उसकी स्वीटनेस खत्म हो जाती है, तो वो एक अच्छा रॉ मेटेरियल नहीं, मतलब नहीं बन पाता हमारे लिए. ठीक है, द रॉ मेटेरियल इज ए बल्की, मेकिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट एंड द सोर कंटेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. क्लियर बेटा, क्योंकि सुक्रास जो होता है इसमें, जो शुगर केन में सुक्रास होता है, वो डिक्रीज होता रहता है विद द टाइम. ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द चैलेंजेस टू द सुगर केन इंडस्ट्रीज. ओके बच्चा, क्योंकि ये क्या है, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत टफ है. जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चा, एक जो आपका हैवी ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज होते हैं उनका यूज करना होता है. ठीक है, वो बहुत क्या होता है, आपका बहुत टफ होता है. क्लियर टू एवरी वन अबाउट द शुगर केन. नेक्स्ट वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, based on the mineral for their raw material, mineral based industries like the iron industries, steel industries, aluminium industries, all these industries comes in the mineral based industries. Okay bacha, industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industries. Write down here about the mineral based industries, that industries that use minerals and metals minerals and metals as a raw material
टू प्रोड्यूस द गुड्स These types of industries comes in the mineral based industries. So in this industries we will study about the first industry, that is iron and steel industries. Iron and steel industry. जो iron and steel industries होती है वो बेटा क्या है, कहाँ पे आपकी setup है और उसकी क्या क्या requirement होती है. In this topic we will discuss all these things. ठीक है. It is basic industry as heavy, medium and light industries depend on its machinery and electronic goods. Okay, it means you can say iron and steel industries, everything, every type of industries you can see here. Every type of industry means beta heavy, light and medium. हैवी लाइट और मीडियम यहाँ पे आप किसके बिहाफ में बोलेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो आपके क्या होते हैं. इफ एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज हैविंग हैवी मशीन्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स एंड having many types of the electronic tools to manufacturing the product, these industries known as the heavy industries. Light industries क्या होती है, light, iron and steel industries क्या होगी, जिसमें मतलब क्या होगा बच्चा, जिसमें heavy machines ना होगा, मतलब छोटे level पे जब हम क्या करते हैं अपनी industries setup करते हैं, that is light industries. And the medium, medium का क्या है, जो आपकी ना तो heavy machines उसमें work करती है ना ही बहुत light, जो एक medium size के medium level पे होता है. ठीक है. आपके हमने जैसे two types की आपकी क्या रीड आउट की है बेटा, हैवी और मीडियम. हैवी और मीडियम यहाँ पे क्या है, जो हैवी इंडस्ट्रीज आपकी क्या होती है बच्चा, हैवी मशीन्स जहाँ पे हम वर्क करते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स जहाँ पे यूज करते हैं, हैवी टेक्सटाइल में के अंडर आते हैं, लाइट में जहाँ पे हम छोटे लेवल पे क्या करते हैं अपना बिजनेस सेट करते हैं. ठीक है. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट कम्प्लीट इन दिस वीडियो. Okay, so please till now if any type of query to you then you can ask to me, otherwise you have to learn the places, you have to learn the places of the industries, otherwise in the complete chapter only one thing you can see where you can set the industries, yeah, which factors are responsible to set up the textile. Got it beta, that where we can set our business, that which factors affect that. Okay bacha, so if any type of query till now then you can comment to me. Okay.